हेलो दोस्तों, अंशु की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी के पराठे। इसके लिए हमने आधी पत्ता गोभी ली है, 4 या 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च, पनीर का टुकड़ा और अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सबको हम कद्दूकस कर लेंगे। हमने पत्ता गोभी को कद्दूकस कर रहे हैं। ध्यान रखें आपके हाथ में ना लगे, इस तरफ आराम से कद्दूकस कीजिए। फिर हमने प्याज को कद्दूकस किया, अदरक को कद्दूकस किया, ऐसे ही पनीर को कद्दूकस किया और हरी मिर्च को कद्दूकस किया। देखिए आसानी से हम कद्दूकस कर लेते हैं। इसके बाद हमने गेहूं का आटा लिया है, 2 कटोरी आटा है। इसमें हमने नमक लिया है स्वाद अनुसार, और जो कद्दूकस सब्जियां की थी उनमें हमने नमक लिया है स्वाद के अनुसार। ये हमने अजवाइन ली है 1/2 चम्मच, सौंफ ली है 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर लिया है 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, और 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे मसाले अच्छे से घुल जाए। दूसरी तरफ हम आटे में अजवाइन लेंगे जिसे हाथों से रफ कर लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और मुलायम एवं सॉफ्ट बनने के लिए हम इसमें देसी घी डाला है 1 चम्मच। हम अब आटा लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटा लगा लेंगे। इसमें हल्का सॉफ्ट आटा लगाना है जिससे आसानी से पराठे का लोहा बिल जाए। हम चपाती के लिए लोहा लेते हैं उतना ही हमने पराठे के लिए लिया है। उसे बेल लिया और उसमें ये मसालों की स्टफिंग कर दी है, और हमने चौकोर आकार का पराठा बनाया है। इसे दोनों साइड से देसी घी से पलट 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 कर सेक लिया है, और देखिए आप भी इस तरह ऐसे ही हमने दूसरा पराठा तैयार कर लिया है। इसे भी हम स्लो गैस के फ्लेम पर सेकेंगे दोनों साइड से। ध्यान रहे आपको भी स्लो फ्लेम पर ही रखना है, क्योंकि हमने जो सब्जियां थी उनको पकाया नहीं था, सीधे ही स्टफिंग की है चपातियों में। इस वजह से हम स्लो फ्लेम पर ही रोटियों को पकाएंगे जिससे कच्चा ना रहे पराठा। अब हम गोलाकार पराठा बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 चपातियों के साइज के डो लिए हैं और उनको चपाती के साइज में बेल लिया है। अब दोनों के बीच में हम जो हमने सब्जियों का मसाला बनाया है उनको भर देंगे, अच्छे से चारों ओर फैला देंगे, और दूसरी से उसे ढक देंगे, और एक साइड से हम दबाना स्टार्ट करेंगे जिससे उसमें हवा ना भरे, जिससे पराठा बीच में ना फूले। इस तरह आपको भी करना है जिससे आपका पराठा ख़राब ना हो, मसाला बाहर निकल जाएगा यदि वो फूल के बाहर साइड से निकल गया तो। इसी तरह हमें दोनों साइड से देसी घी से पराठे को सेक लेना है, स्लो फ्लेम पर ही गैस को रखना है।
ऐसे ही हम ट्रायंगल में पराठा बनाएंगे। इसके लिए हमने दो चपातियाँ ली है, उन चपातियों को ट्रायंगल में काट लिया है और बीच में मसालों को भर लिया है और इसी प्रकार से हमें सेकना है। दोनों साइड से पलट पलट कर स्लो फ्लेम पर देसी घी लगा करके। दोस्तों, अगर हमारी आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन को। देखिए, हम आपको सभी पराठों को दिखाते हैं किस तरह फूले हुए हैं, बीच में से सारी परतें एक दूसरे से अलग हो सकती है। ये पराठे बिल्कुल खसखस और सॉफ्ट बने हैं। आप इन पराठों को सॉस, चाय या किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।